आज आपका इंडिया न्यूज 28 में आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों। झारखंड के सांसद ने किया चिरकुंडा एवं कुमार धूबी में छठ सामग्री का वितरण। धनबाद सांसद पशुपतिनाथ सिंह चिरकुंडा पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने सांसद पीएन सिंह का जोरदार स्वागत किया। बताते चलें कि पूरे चिरकुंडा नगर परिषद क्षेत्र में सांसद ने भ्रमण कर नगर परिषद उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह द्वारा तैयार किए गए छठ सामग्री का वितरण 1100 छठ व्रतियों के बीच किया। इधर मीडिया से बातचीत के दौरान सांसद पीएन सिंह ने कहा कि छठ हिंदू आस्था का महान पर्व है, पूरे देश में इसे धूमधाम से मनाया जाता है और ऐसे मौके पर छठ व्रतियों के बीच सामग्री का वितरण करना सराहनीय पहल है। इधर छठ पर्व को लेकर राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन को लेकर सांसद काफी आक्रोश में दिखे। उन्होंने बताया कि सरकार पर जोरदार हमला करते हुए बताया कि राज्य सरकार लोगों के आस्था के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है। सरकार को चाहिए था कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराकर छठ मनाने की अनुमति दें। सांसद ने कहा कि इस पर पुनर्विचार करें और अनुमति देने का काम करें। पीएन सिंह ने कहा कि अर्क डालने के लिए नदी व तालाब की जरूरत पड़ती है और ये संभव नहीं है कि सभी लोग घर पर ही जल जमाव की व्यवस्था कर सकें ताकि वो अर्क डाल सकें। अग्यारकुंड संवाददाता फैजान अहमद की रिपोर्ट। उधर थोड़ा गेहूँ जो प्रसाद बनाने का काम है वो चिरकुंडा क्षेत्र में जगह जगह और नारियल मेरे हाथों से करवा रहे हैं और निश्चित रूप से खुशी खुशी छठ है, माँ की पूजा हो, भगवान सूर्य का अर्घ हो, लोगों में उत्साह है। लेकिन जो सरकार का निर्णय हुआ है कि तालाब और नदी में जाकर छठ नहीं करेंगे, इससे काफ़ी लोगों में आक्रोश है। सरकार ने आदेश दिया है कि अपने घर में ही अर्घ दें, खासकर गरीब तबके के लोगों को, जिनके पास अपने घर में नहाने का हौज बनाने की न पैसा है न स्थान है, और उस जगह पर कैसे छठ करें, इसका गुस्सा सब जगह पर है। मैं सरकार से भी मांग करता हूँ कि गरीबों के धार्मिक भावना से न खेलें और सरकार इस निर्णय पर पुनः विचार करे, सोशल डिस्टेंस को बरकरार रखते हुए तालाब और नदी में जाकर लोग छठ पूजा करें, वहाँ रख देने का काम करें, नहाने का काम करें, इस पर सरकार को फिर से विचार करना चाहिए, क्योंकि जोर जबरदस्ती इसे करेंगे तो वह उचित नहीं। यह सबको ही चिंतित है कि कोरोना से मुक्ति मिले, कोरोना का फैलाव ना हो, इसके लिए स्वयं लोग सोशल डिस्टेंस को बरकरार रखकर नदी और तालाब में छठ पूजा करने के लिए तैयार हैं। इस अवसर पर यह सामाजिक समरसता का पर्व है, सत्य की पूजा है, सभी लोग सेवा भाव से छठ व्रतधारियों की सेवा करना चाहते हैं। यह कष्टयोग भी है कि 36-36 घंटा बिना अन्न पानी का लोग रहते हैं, ऐसा दूसरा कोई पर्व नहीं, और कितने कष्ट सहकर या छठ व्रत धारण करें और उन्हें सुविधा भगवान का अर्घ देने का न रहे, तो निश्चित रूप से सभी व्रतधारियों के मन में कष्ट होगा। इसलिए हेमंत सरकार से मैं मांग करता हूँ कि इस व्यवस्था को चालू रखें और अपने जो निर्णय किया है
सरकार ने।